हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद। आपके चैनल वेज टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पे IQ7 में ना 2 हफ्ते के अंदर ये दूसरा अपडेट देखने को मिला है। हालांकि ये जो अपडेट है अभी बहुत गिने चुने यूजर्स को ही मिला है, सारे यूजर्स को ये अपडेट नहीं मिला है। ऑलरेडी मेरे पास IQ7 है जो कि 8GB 128GB वाला वेरियंट है। अभी तक मुझे भी ये अपडेट नहीं मिला है। आप देख सकते हैं मेरे IQ7 का जो वर्जन चल रहा है वो केवल अभी 1.73.1 चल रहा है। तो दोस्तों, कुछ लोगों को ये अपडेट मिला है, उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर किया है। तो आज इस वीडियो में ना इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे कि क्या इसकी साइज है, क्या इसका वर्जन है और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है। हाँ दोस्तों, आप लोगों से बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि आपके IQ7 में एंड्रॉइड 12 का अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके IQ7 में क्या नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है। इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये करण भाई हैं, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया। इनके IQ7 में ये अपडेट आ चुका है, तो आइए देखते हैं क्या इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। और बात करें दोस्तों अपडेट की, तो कोई बहुत बड़ा अपडेट तो नहीं है, ना ही यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपके फोन में कोई एडिशनल फीचर प्रोवाइड किया गया इस अपडेट के बाद। हाँ, जो भी थोड़ा बहुत बग्स थे आपके IQ7 में ना, उसको फिक्स करने की बात की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि IQ7 का जो ओल्ड वर्जन है वो है 1.73.1, और दोस्तों जो अपडेट जारी किया गया है उसके वर्जन की बात करें तो वो है 1.73.2, और साइज की बात करें तो दोस्तों वो है 145 MB के आसपास की साइज है। और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है, तो मैं कहूंगा दोस्तों यहाँ पे IQ ने IQ7 के सिस्टम पे काम किया है। जो भी थोड़ा बहुत बग्स थे उसको फिक्स करने की बात की गई है। अगर आप सिस्टम में जाते हैं तो आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज सिस्टम ऑपरेशन परफॉर्मेंस एंड इनहांस सिस्टम स्टेबिलिटी। और मैं बता दूं दोस्तों, जो पिछला अपडेट आया था ना, जिसका वर्जन 1.73.1 था ना, उस अपडेट के बाद बहुत सारे यूजर्स को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी कि उस अपडेट के बाद उनके IQ7 का जो चार्जिंग स्पीड था ना, वो काफी स्लो हो गया था। ये प्रॉब्लम मुझे भी फेस करना पड़ा था, और साथ में दोस्तों बैटरी ड्रेन की इश्यू आ रही थी। तो हो सकता है कि इस अपडेट के बाद वो भी प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। खैर, जब मेरे IQ7 में ये अपडेट आएगा तो उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इस अपडेट के बाद। और दोस्तों, यहीं पे नीचे आएंगे तो देख सकते हैं आपके फोन के सिक्योरिटी पैच को भी अपडेट किया गया है, जो कि अक्टूबर 2021 का है। तो ये काफी अच्छी बात है कि आपके फोन में रेगुलर सिक्योरिटी पैच का अपडेट तो देखने को मिल ही रहा है। तो दोस्तों, ये तो रहा अपडेट की बात। जब हमारे फोन में अपडेट आएगा तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों कमेंट ये आ रहा है कि IQ7 में एंड्रॉइड 12 का अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो मैं कहूंगा दोस्तों, ऑलरेडी हमने इस पे वीडियो भी बनाया था कि IQ का जो रोड मैप जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग IQ7 को कब एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने को मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि दिसंबर के एंड में आपके IQ7 में ना एंड्रॉइड 12 का अपडेट दिया जाएगा। हालांकि वो बीटा वर्जन होगा, स्टेबल अपडेट आने में लगभग 1 से 1.5 महीने हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि जनवरी के एंड या फरवरी के पहले हफ्ते में आपके IQ7 में एंड्रॉइड 12 का स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ना बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। धन्यवाद।